नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फार्मूला। पिछले लेक्चर में क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए हमने बताया कि आखिरकार मूल कॉन्सेप्ट का मेन थीम क्या रहा है, किस तरीके से मूल कॉन्सेप्ट आया और कहाँ यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को जानकारी हुआ कि जितना भी मालिकुलर वेट और एटॉमिक वेट या आयनिक वेट है, एक्चुअली वो मोलर मास होता है, मतलब कि वन मोल का वो वेट होता है, मतलब कि एक मोल में किसी का भी नंबर 6.002×10^23 नंबर लेने होते हैं, उसका वजन करते हैं, जो वेट आएगा वो मोलर मास होता है, मतलब एक मोल का मास होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिले और उसकी वैल्यू अगर हम लोग इस फार्मूले में रख दे तो रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए दो तरह का कैटेगरी हमने बनाया। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, जैसे जितना भी मेटल है, चाहे हम लोग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितना भी है वो सब मोनोएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, और इनर्ट गैस भी, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये सभी मोनोएटॉमिक फॉर्म में है। तो जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में है उसके लिए मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, या अगर मान लेते हैं कि उस एटम का नंबर ऑफ एटम्स दिया है, अगर एटम का नंबर दिया है तो एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो भी मोल मालूम हो जाएगा, या अगर कोई नियान है या हीलियम है या आर्गन है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया है तो उसमें 22.4 से भी डिवाइड कर देंगे तो भी मोल मालूम हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, CO2 है, वाटर है, H2O2N2, यूरिया है, या कोई भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो उसका कैसे मोल निकालेंगे, तो या तो उसका वजन दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, यानी वेट ध्यान में रखे रहना कि वो ग्राम में होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल मालूम हो जाएगा, या उस मॉलिक्यूल का अगर नंबर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो मोल मालूम हो जाएगा, या बहुत सारा ऐसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, या बहुत नाइट्रोजन गैस है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर उसकी वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो ही मालूम हो जाएगा। निश्चित तौर पर इस पर अधिक से अधिक मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। धन्यवाद।